इस बारी खबरों की शुरुआत करेंगे दंतेवाड़ा से। बड़ी खबर मिल रही है जहां पर क्षेत्र के किरंदुल इलाके में देर रात नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। दो नक्सली मारे गए हैं। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने आधिकारिक पुष्टि की है। बताया जाता है कि नक्सलियों से पुलिस ने हथियार भी इस दौरान बरामद किए हैं, जिसमें 9 MW की पिस्टल, 12 बोल्ट की बंदूक भी शामिल है। उपचुनाव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये नक्सली बताए जाते थे। कोचेरम के जंगलों पर इनका जमावड़ा देखा गया। चुनाव के मद्देनजर इससे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कितनी बड़ी कामयाबी माना जाए और क्या कुछ और इनके पास से बरामद हुआ है? रत्न बता दूं कि दंतेवाड़ा में उपचुनाव है और उपचुनाव के चलते नक्सली कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अपना जमावड़ा लगा सकते थे। किरंदुल थाना क्षेत्र का एक उपरेम का जंगल पड़ता है। 12 से 15 नक्सलियों का जमावड़ा था। पूरे मरंगेर एरिया कमेटी के नक्सली थे और इन्हीं के साथ डीआरजी के जवानों की और कोबरा बटालियन के जवान और किरंदुल थाना के जवानों के साथ देर रात 1 बजे मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 इनामी नक्सली मारे गए। हालांकि जो डीआरजी की टीम ने इनकी शिनाख्त की तो इसमें से एक एलओएस का कमांडर बताया जा रहा है, लक्ष्मू मंडावी है, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम है उनके समर्पण नीति के हिसाब से, तो वो मारा गया है। और साथ में एक नक्सली और है, एक नक्सली और मारा गया है। इनके पास से 2 हथियार बरामद है, उसमें से एक 9 MM की जर्मन मेड पिस्टल बरामद हुई है, मतलब वो विदेशी पिस्टल भी बरामद हुई है। और इसी इलाके में इस घटना के बाद नक्सलियों ने एक हत्या भी की है, सवेरे उसका बरामद हुआ है। अभी पुलिस की शिनाख्त कर रही है। पुलिस को भ्रामिक हत्या के पास एक झूला रखा हुआ है जहाँ पर व्यक्ति की हत्या हुई है, उस पर कोई आईडी उन्होंने लगा रखी है। पीडीएस की टीम वहाँ पर बुलाई गई है। दंतेवाड़ा में उपचुनाव को लेकर के नक्सलियों की सरगर्मी अब तेज हो गई है। इससे पहले भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उससे 2 दिन पहले इसी इलाके में भीमा राम मंडाली की नक्सलियों ने बड़े ब्लास्ट में हत्या की थी, तो मतलब कुल मिलाकर के चुनाव को विफल करने के लिए नक्सली अपनी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे थे। इसी में दंतेवाड़ा ने बड़ी सफलता हासिल की है इन दोनों को घेर करके। जी जी, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस